टीम इंडिया को मिलेगा नया चीफ सिलेक्टर। इन पांच खिलाड़ियों की वापसी हुई तय। सहवाग की होगी भारतीय क्रिकेट में एंट्री। टीम इंडिया इस समय कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में इन दिनों चीफ सिलेक्टर का पद खाली चल रहा है, जिसको लेकर लगातार शोर शराबा रहता है। और कहा जाता है कि टीम इंडिया के पास जब चीफ सिलेक्टर ही नहीं है तो कैसे वो वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि खिलाड़ी कौन चुन रहा है इसके बारे में किसी का पता ही नहीं है। साफ है कि पूर्व चयनकर्ता चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उन्होंने खुद चीज को माना था कि बहुत सारी चीजें भारतीय क्रिकेट में अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे में अब चेतन शर्मा टीम इंडिया के लिए चीफ सिलेक्टर नहीं है और उनके बाद से ही चीफ सिलेक्टर का पद खाली पड़ा है। ऐसे में अब चीफ सिलेक्टर के पद पर एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी को टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब पूरा सच क्या है इस वीडियो में आगे जानते हैं। सहवाग बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर। अब खबरों की माने तो सहवाग चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वीरेंद्र सहवाग से कांटेक्ट किया गया है और उनसे पूछा गया है कि क्या आप टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। बता दें कि इस समय बीसीसीआई देश के अलग अलग जोन से चयनकर्ता को सिलेक्ट करती है, जिसमें कुल पांच जोन आते हैं। इन पांच जोन में जो सबसे ज्यादा काबिलियत वाले चयनकर्ता को टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल सुब्रतो बनर्जी इस जोन के चयनकर्ता है, सलील अंकोला वेस्ट जोन के, श्रीधन शरद साउथ जोन के, और सेंट्रल जोन से शिव सुंदर दास। हालांकि नॉर्थ जोन से अभी भी कोई चयनकर्ता इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में अगर नॉर्थ जोन की बात करें तो इस जोन में बड़े खिलाड़ियों में शुमार युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग से खबरों की माने तो कांटेक्ट किया जा सकता है कि वो भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। ऐसे में अगर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर वीरेंद्र सहवाग बने तो इन पांच खिलाड़ियों की वापसी टीम इंडिया में हो सकती है, क्योंकि ये पांच खिलाड़ी कुछ कुछ वीरेंद्र सहवाग वाले अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन भले ही खराब चल रहा हो, लेकिन हर कोई जानता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में फिर से मौका मिल सकता है। पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए शुरुआत में तो अच्छा प्रदर्शन करके गए, लेकिन फिलहाल वो खाली चल रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। संजू सैमसन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उन्हें टीम इंडिया में जितने मौके मिलने चाहिए थे उतने मौके नहीं मिले। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी संजू सैमसन पर भरोसा जता सकता है, क्योंकि संजू सैमसन भी उसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं जिस अंदाज के लिए वीरेंद्र सहवाग जाने जाते थे। शिवम दुबे, हमने आईपीएल में देखा किस तरीके से शिवम दुबे का इस्तेमाल महेंद्र सिंह धोनी ने किया। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग भी शिवम दुबे का इस्तेमाल भारत के लिए मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं। टी20 क्रिकेट में अगर शिवम दुबे भारत की टीम में रहेगा तो बहुत फायदा मिलेगा। वेंकटेश अय्यर ने भी इस आईपीएल अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने प्रदर्शन के दम पर खूब नाम कमाया था। उन्होंने एक सेंचुरी भी इस आईपीएल में जड़ी थी, लेकिन उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग आए तो वेंकटेश अय्यर को एक मौका जरूर मिल सकता है। वेंकटेश अय्यर के साथ साथ अब बात कर लेते हैं दीपक चाहर। दीपक चाहर एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने इस आईपीएल इंजरी के बाद कमाल की वापसी की और चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया। ऐसे में दीपक चाहर को फिर से टीम इंडिया में एंट्री मिल सकती है, हालांकि इसमें उनकी फिटनेस का भी एक बड़ा रोल रहेगा। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या वीरेंद्र सहवाग को टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए? बता दें कि अभी ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। ऐसे में अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के लिए चीफ सेलेक्टर के रूप में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे और एक कामयाब चीफ सेलेक्टर बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। और साथ ही आपको लगता है कि इन पांच खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जल्द मौका मिलना चाहिए तो भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।